दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और चुड़ैल हॉरर स्टोरी के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इस पंपकिन को घर लाने के बाद गुल्ली बुल्ली के साथ अनहोनी होती है और उनका कंप्यूटर या स्कूटर ब्लास्ट हो जाता है। फिर गुल्ली उस पंपकिन को दूर फेंक के आता है, लेकिन वो पंपकिन रात में चलता हुआ फिर से उनके घर के अंदर आ जाता है। फिर गुल्ली कहता है कि इस पंपकिन को तुम जिस पेड़ के पास से लेके आए थे उसी पेड़ के पास छोड़ के आओ, और गुल्ली फिर उस पंपकिन को लेके वहीं जाने लगता है कि तभी गुल्ली इस ट्रक से बाल बाल बचा। अगर ये ट्रक गुल्ली से टकरा जाता तो गुल्ली का कीमा बन जाता, और ये सारी अनहोनी उसी पंपकिन की वजह से हो रही है। लेकिन गुल्ली वापस मुड़ जाता है और फिर से उस पेड़ के पास जाने लगता है जहाँ से वो पंपकिन लेके आया था। गुल्ली चलते चलते उस पेड़ के पास पहुंच ही जाता है जहाँ से वो पंपकिन लेके आया था। फिर वो उस पेड़ के पास पहुंच के उस पंपकिन को वहीं रख देता है और वापस जाने लगता है। तभी वो चुड़ैल अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगती है और पेड़ से नीचे आ जाती है। फिर वो चुड़ैल गुल्ली से कहती है, ओहो, मेरे इस पेड़ के पंपकिन को एक और साथी मिलने वाला है, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। ये बात सुन के गुल्ली गुस्से में कहता है, देखो खाने पीने की तो तुम बिल्कुल बात मत करो, मैं बहुत देर का भूखा हूँ और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और अगर फिर से तुमने एक बार खाने का नाम लिया तो मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा कीमा बना दूंगा। और इतना कह के वो वापस मुड़ के जाने लगता है कि तभी वो चुड़ैल गुल्ली पर हमला कर देती है और गुल्ली को बेहोश कर देती है। इस चुड़ैल ने गुल्ली को इसलिए नहीं खाया और उसका पंपकिन नहीं बनाया क्योंकि उसे पता है कि ये दो लोग थे, गुल्ली और बुल्ली, और यहाँ पे केवल गुल्ली ही आया है, और वो चाहती है कि बुल्ली भी आए तो वो दोनों का एक साथ पंपकिन बना के पेड़ पे लटकाएगी। फिर वो वापस पेड़ पे बैठ जाती है और बुल्ली का आने का इंतज़ार करने लगती है। वहीं बुल्ली ने अपने और गुल्ली के लिए मैगी बना के तैयार कर ली है और वो गुल्ली का इंतज़ार कर रहा है, और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने गुल्ली को अकेले भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो सोन को फ़ोन लगाता है और सारी बातें बताता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ, और सोन को घर पे बुला लेता है। वहीं सोन भी गुल्ली बुल्ली के घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही सोन गुल्ली बुल्ली के घर पे पहुंचता है तो वो देखता है सामने मैगी रखी है। फिर सोन कहता है, भाई तुमने मेरे लिए मैगी बना के रखी है, वाह भाई वाह, और इस मैगी में से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, चलो पहले मैगी खा लेते हैं। फिर बुल्ली गुस्से में कहता है, ये मैगी तुम्हारे लिए नहीं है, ये गुल्ली और मेरे लिए थी, और यहाँ मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें मैगी की पड़ी है, चलो पहले गुल्ली को ढूंढने चलते हैं। मैगी को देख के सोन के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन वो कहता है, चलो ठीक है पहले गुल्ली को ही ढूंढ लेते हैं, और इतना कह के बुल्ली और सोन गुल्ली को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रात बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ काफ़ी ठंड भी पड़ रही है, लेकिन क्या करें, गुल्ली को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कितनी भी ठंड हो इन्हें ढूंढना ही पड़ेगा।
फिर दोनों चलते चलते उस पेड़ के पास में आ जाते हैं। और वो देखते हैं कि गुल्ली वहाँ पे बेहोश पड़ा है। वहीं पेड़ पे बैठी चुड़ैल देख रही होती है कि एक की जगह दो दो और नए शिकार मिल गए हैं। अब उसके पेड़ पे तीन नए पंपकिन लगने वाले हैं और उन दोनों को देख के वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं बुल्ली आगे बढ़ता हुआ जाता है और गुल्ली को होश में लाने की कोशिश करने लगता है कि तभी वो चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है। इस चुड़ैल को देख के सोन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से दम दबा के भाग लेता है। फिर बुल्ली उस चुड़ैल से गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे दोस्त गुल्ली का ये हाल कर दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो चुड़ैल हंसने लगती है और वो बताती है कि इस पेड़ पे जितने भी पंपकिन लटके हैं वो कोई ना कोई आदमी थे और उन सबको खा के उसने उसका पंपकिन बना दिया और इस पेड़ पे लटका दिया है। और वो कहती है कि अब तुम्हारा नंबर है और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त गुल्ली का भी पंपकिन बनेगा और तुम दोनों इस पेड़ पे ही लटकने वाले हो। फिर गुल्ली और चुड़ैल में हाथापाई होने लगती है। और फाइनली वो चुड़ैल गुल्ली को भी बेहोश कर देती है। लेकिन इस चुड़ैल ने गुल्ली और बुल्ली किसी को नहीं खाया क्योंकि उसके मन में और ज़्यादा लालच आ गया है। अब वो चाहती है कि सोन भी उसके पास में आए और वो सोन को ही मार के बेहोश करेगी, फिर वो तीनों को खा के उन तीनों को पंपकिन बनाएगी। फिर वो चुड़ैल फिर से पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और अब सोन के आने का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन सोन तो डर के मारे इतनी तेज भागा कि वो भागते भागते बाबा के घर पहुंच गया और बाबा के घर पे आने के बाद वो सारी बातें बाबा को बताता है। ये सारी बातें सुनने के बाद बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक उन दोनों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। और इतना कह के बाबा झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद बाबा झोपड़ी से बाहर आते हैं तो सोन बाबा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बाबा के कंधे पर बंदूक लटकी हुई है और इस बंदूक से उस चुड़ैल का काम तमाम होने वाला है। तो क्या दोस्तों, इस गन से वो चुड़ैल मारी जाएगी या फिर वो चुड़ैल बाबा का भी पंपकिन बना के पेड़ पे लटका देगी? और दोस्तों, क्या अगले पार्ट में चुड़ैल का काम तमाम कर दें या फिर वीडियो को और लंबी बनाई जाए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो का लाइक टारगेट 550 लाइक रखते हैं तो अपना एक कीमती लाइक ज़रूर करना। हम मिलते हैं अगले पार्ट में।